बैंक में एक ऑटो स्वीप की सुविधा होती है, वो क्या है, उसके बारे में उससे क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसान हैं, ये तमाम बातें अक्सर सुनने में आती है और हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। कोई ना कोई व्यक्ति कोई ना कोई बिजनेस ज़रूर कर रहा है और अपने बिजनेस को करने के लिए उसे कैश की ज़रूरत होती है और कैश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें बैंक का सहारा लेना पड़ता है। अगर हम कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हमारा एक करेंट अकाउंट ज़रूर होगा और करेंट चाहे हम किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, चाहे GST बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं या नॉन GST बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, अगर हम GST बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं तो हमें फिर करेंट अकाउंट है कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा बिजनेस चल रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको GST की ज़रूरत नहीं पड़ती है और क्योंकि वो लिमिट उनके पास नहीं है कि उनको GST की ज़रूरत पड़े। अब हमें बात कर लेता हूँ कि ऑटो स्वीप की सुविधा किस तरह से वर्क करती है। सपोज़ करिए कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सेविंग अकाउंट में आपको जो है इंटरेस्ट मिलता है और करेंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो इसी इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए ऑटो स्वीप की सुविधा बनाई गई और कैसे काम करता है इसको ज़रा एक नज़र में हम समझ लेते हैं। आप बखूबी जानते होंगे कि करेंट अकाउंट तभी हम खोलते हैं जब हमको कुछ इस तरह के लेन देन करने हों या लगातार लेन देन करने हों या हमारे पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं या कोई छोटा मोटा हम बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन ज़रा सोचिए कि करेंट अकाउंट है, अगर उसमें पैसा आपका 10 दिन रहता है, 5 दिन रहता है, उस पर कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलता है, यानी आपका पैसा जो स्टोर है वो बिल्कुल मतलब कुछ भी ब्याज आपको नहीं मिलेगा, तो वो समय तो हम पैसे से अपने ही पैसे से कुछ पैसे हम नहीं कमा पाएंगे। लेकिन अगर ये सेविंग अकाउंट में रहता है तो हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता रहता है। अब क्या किया कि बैंकों ने एक सुविधा दिया कि आप ऑटो स्वीप की सुविधा ले सकते हैं। ऑटो स्वीप क्या होता है, करेंट अकाउंट पर आपको मिल जाता है और ये बहुत ही फायदेमंद होता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, एक बार इसे एक्टिवेट कराने की ज़रूरत है। जब बैंक से मिलकर आप इसको एक बार एक्टिवेट करा देते हैं तो होता क्या है कि अगर सपोज करिए कि आपके खाते में 50,000 रुपये पड़े हुए हैं, 1,00,000 रुपये पड़े हुए हैं, 5,00,000 रुपये पड़े हुए हैं, अभी 10 दिन बाद आपको ज़रूरत है, अभी ज़रूरत नहीं है, तो वो पैसे क्या होते हैं, ऑटो स्वीप यानी ऑटोमेटिक आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वह जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एक तरह का FDR बन जाता है। और वो क्या होता है, वो जब चाहे तब, जब आपको कैश की ज़रूरत होगी आप कैश निकाल सकते हैं, वो ऑटोमेटिक पैसा वापस आ जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि 10 दिन के लिए ही, 20 दिन के लिए ही या एक महीने के लिए हमारा पैसा गया तो कुछ ना कुछ हमको ब्याज भी मिल जाते हैं, तो हम अपने ही पैसे से जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला था वहाँ अपने ही पैसे से कुछ ना पैसे हम कमा सकते हैं और हमारा रेवेन्यू जो है वो ग्रो करने लगता है, जाने लगता है। लेकिन कहीं कहीं पे ये सुविधा आपको लेने में दिक्कतें भी आती हैं, उनका कुछ लिमिट है कि भाई ये सुविधा हम 50,000 से ऊपर करेंगे या 1,00,000 से ऊपर करेंगे, 2,00,000 से ऊपर करेंगे, उनकी कुछ लिमिटेशन है। तो बैंक से एक बार बात करके आप इस चीज़ को बखूबी समझ सकते हैं और जान सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ऑटो स्वीप की सुविधा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी, आपके अपने ही पैसे पे दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा और बेहतर आपका रेवेन्यू भी ग्रो करेगा। उम्मीद है कि आप इस जानकारी को समझ पाए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।